हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं शिलोंग में। शिलोंग पड़ता है मेघालय में और यहां के बहुत सारे अभी बादल तो नहीं दिख रहे हैं, बट जब आपको दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां का नाम क्यों है स्टेट का मेघालय। इसके साथ ही साथ, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कैसे आप यहाँ घूम सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा, क्या बजट होगा, वो इस वीडियो में तो रहेगा ही। साथ ही साथ बहुत सारी यूज़फुल टिप्स रहेगी जिससे आपको यहाँ पे घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे आप कैसे घूम सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपका जो बेस्ट टाइम यहाँ पे हो सकता है वो आप पूरे साल यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर में आया हूँ ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। और भी आप टाइम आ सकते हैं, मानसून में भी आ सकते हैं, आप समर में भी आ सकते हैं, विंटर में भी आ सकते हैं, सारे टाइम आपके लिए बेटर है। बट बेस्ट जो टाइम होगा अक्टूबर का हो सकता है या फिर आप विंटर के टाइम में आएँ। इसके साथ ही साथ यहाँ जो लैंग्वेज चलती है वो चलती है खासी लैंग्वेज, हालांकि इसकी वजह से आपको घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हिंदी यहाँ पे लोग इजिली समझते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे साथ घूमिएगा आप शिलोंग और मेघालय। शिलोंग पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले गुवाहाटी बाई ट्रेन पहुंच जाएं, फिर गुवाहाटी स्टेशन से पल्टन बाजार साइड उतरकर आपको 200 रुपये से 400 रुपये पर पर्सन में शेयरिंग कार या जीप शिलोंग के लिए मिल जाएगी। गुवाहाटी आप फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं। शिलोंग में उमराय एयरपोर्ट भी है पर बहुत कम फ्लाइट यहाँ पर आती है। शिलोंग में आपको कोई भी बुकिंग करनी है पैकेज टूर की, आसपास की, जैसे कि मॉनशिनराम या फिर चेरापूंजी या फिर मोनिनलोंग, ये सारी प्लेसेस की अगर आपको पूरी डे ट्रिप करनी है तो आप MTDC का ऑफिस, जो कि बस स्टैंड के ठीक सामने है, वहाँ पे आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ पे आपकी पूरी डे ट्रिप शेयरिंग में आप चाहे बस से करना चाहे या प्राइवेट करना चाहे आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं अंदर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे ये ऑफिस है और यहाँ पे आप रेट्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दे रखे हैं, यहाँ पे भी रेट्स लिखे हैं। और ये आपकी जो टूर होती है रिज़र्व करके टैक्सी वगैरह, उसके थ्रू आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर आके एक दिन एडवांस में बुकिंग करा लें। मैंने यहाँ पे अभी मोनिनलोंग का बुकिंग कराया है और इसका 500 रुपीज़ लगा है बाई बस ये ट्रिप होगी। कल देखते हैं कैसा होगा ये ट्रिप, बाकी एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाऊंगा ही। और बाकी आप अगर रिजर्व में भी बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दे रखी है सारे रेट्स के, सारे ट्रिप की। तो अभी मैं जा रहा हूँ शिलोंग के लोकल टूर के लिए, जो आसपास की साइट सीन है उसको कवर करने के लिए, और मेरे साथ है R1 की जी, उनका नाम बहुत ही मज़ेदार है। R1 की मतलब क्या होता है? तो नाम है वो बाइबल का वर्ड है। अच्छा, बाइबल का वर्ड है। तो इनके साथ ही मैं ट्रिप करूंगा और पूरे डे का ट्रिप होगा, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और 1500 रुपीज़ इसका डे ट्रिप लगता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर भी दे रखा है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं। पहले दिन मैं शिलोंग के लोकल साइट सीन के लिए निकला। तो R1 जी, ये बताइए क्या है आपकी? मेरा 19 और शादी वादी की? शादी नहीं हुआ है। हो नहीं रही? नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है कि चलो सब सही है। और अच्छा, हम लोग कौन कौन से आए जी स्पॉट कवर करेंगे? अभी हम लोग सबसे पहले शिलोंग व्यू पॉइंट जाएंगे, ठीक है, फिर जाएंगे एलिफेंट फॉल्स, फिर जाएंगे एयरफोर्स म्यूजियम, ओके, फिर जाएंगे हम लोग वॉस लेक, लेजी हाइड्रो पार्क एंड कैथोलिक चर्च, ठीक है, और एयरफोर्स म्यूजियम। तो ये सारी प्लेसेस आज हम लोग कवर करने वाले हैं और देखेंगे कैसी कैसी प्लेसेस हैं। आप भी देखिएगा, घूमिएगा मेरे साथ। शिलोंग व्यू पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आप ये देख सकते होंगे कुछ शॉप्स वगैरह है, और जो एंट्री फीस है यहाँ की, ये मिलिट्री एरिया में पड़ता है और 30 रुपीज़ एंट्री फीस है। बाकी पार्किंग का भी 30 रुपीज़ है, लाइट मोटर व्हीकल अगर है आपकी, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। अब मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे ये पूरा शिलोंग का आपको यहाँ से व्यू दिखेगा और बेहद खूबसूरत नज़ारा है, और ये आप देख रहे होंगे
अभी यहाँ पे काफ़ी पेड़ वगैरह हैं, बट ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा व्यू यहाँ का नज़र आएगा। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और काफ़ी पॉपुलर प्लेस भी है यहाँ की। आप यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। क्या है? पाइनएप्पल कितने का है? 20 का, दो दे देना। पाइनएप्पल आप ले लो, 20 रुपीज़ में मिलेंगे। अच्छा लगता है टेस्ट में। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर आ गया हूं, लेकिन ये शिलोंग में ही हूं मैं, और ये है यहां का खेत आप कह सकते हैं। और यहां पे गाजर, मूली और गोभी, बहुत सारे मतलब जो सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो सब यहां पर हैं। बहुत बड़ा यहां पे खेत है, आप चारों तरफ ये देखते हैं। और ये पड़ता है, आप जब शिलोंग व्यू पॉइंट जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है, तो यहां पे आप ज़रूर आएँ, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और रास्ते में वेजिटेबल्स वगैरह की शॉप्स भी हैं, वहाँ पर भी अभी चलता हूँ मैं। ठीक है, देख रहे होगे आप यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, इसमें से मैं अभी लेने वाला हूँ। और शिमला मिर्च आप देख रहे होगे, गाजर बहुत ही क्लीन, अपनी तरफ इतना नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मूली तो आपने बहुत सारी देखी होगी, बट ये आपने नहीं देखी होगी, कितनी सारी बड़ी बड़ी है मूली है यहाँ पे। और बाकी छोटे छोटे स्मॉल आलू तो ये बहुत देखने को मिल गए होंगे, मूली इतनी बड़ी नहीं देखी थी। शिलोंग पीक से आप एयरफोर्स म्यूजियम के लिए जा सकते हैं। ये मेरे पीछे है एयरफोर्स म्यूजियम। यहाँ पे एंट्री फीस जो है वो है 20 रुपीज़। अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है क्योंकि ये मिलिट्री का है, तो मैं ले नहीं जा सकता हूँ, बट छोटा सा म्यूजियम है, जा सकते हैं आप। शिलोंग पीक के बाद मैं अब आया हूँ यहाँ पे एलिफेंट फॉल्स में, काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ये भी है और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। पार्किंग में देख सकते हैं कितनी सारी कारें हैं, तो अंदर चलते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं कैसा है। एलिफेंट फॉल के लिए आपको लगभग 5 से 10 मिनट नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है एलिफेंट फॉल। फॉल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट इसमें नहाने को मिलता तो और भी मज़ा आता, मतलब नीचे अगर जाने को अगर होता तो काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अलग फॉल दिख रहा है क्योंकि काफ़ी वाइड है और अलग अलग फॉल उसमें निकल रहा है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने से आप देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, कैमरे में शायद उतना ना लगे। एलिफेंट फॉल में कुल 3 वाटरफॉल हैं और ये सेकंड फॉल है। एलिफेंट फॉल का ये 3rd फॉल है, इसके पहले 1st और 2nd मैंने दिखाया था, और ये फॉल आप सबसे नज़दीक से देख सकते हैं। एलिफेंट फॉल है तो काफ़ी अच्छा है, बट आप यहाँ पे नहा नहीं सकते हैं। आप बोटिंग कर सकते हैं बट नहा नहीं सकते हैं, तो ये एक थोड़ी सी कमी है। एलिफेंट वाटरफॉल के बाहर कई सारी दुकानें हैं जहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप पहाड़ों पर जाते हैं तो गंदगी का विशेष ध्यान रखें, ऐसा कुछ ना करें। आप यहाँ देख रहे होंगे काफ़ी सारे यहाँ पे कचड़े, प्लास्टिक, ये सब फैला हुआ है। इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखा करें। जो भी आपके कैरी बैग हो, डस्टबिन हर जगह अवेलेबल होता है, अगर कहीं पे आपके पास बच रहा है तो अपने पास रख लें, बाद में जाके आप डस्टबिन में डाल दें, अच्छा रहेगा। यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, आप घूमने आ रहे हैं और यहाँ पे आपको कूड़ा करकट दिखने को मिले तो अच्छा नहीं लगता है। शिलोंग में आप टी गार्डन भी घूम सकते हैं। शिलोंग में आए हैं तो यहाँ के टी गार्डन्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको ब्लैक टी, ग्रीन टी और भी जितनी तरह की टी होती है वो सारे देखने को मिलेंगे, और गार्डन में घूमने का मौका भी मिलेगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा अगर ये प्लेसेस आप एक्सप्लोर करते हैं। शिलोंग में आपको ये भी घूमने को मिल जाएगा। शिलोंग में रास्ते में आपको कई सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। ये है लुम्पीडेंग व्यू पॉइंट्स, और यहाँ से थोड़ा आपको सिटी का व्यू दिखता है, पहाड़ तो दिखेंगे ही हर जगह, बाकी नज़ारा काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर। शिलोंग के लोकल साइट सीन के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं, नहीं तो आपको ट्रैफिक फेस करना पड़ सकता है। ठंडी प्लेसेस की एक खास बात होती है कि यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगती है और पसीना वगैरह नहीं होता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप मेरे बाकी वीडियोस में ये प्रॉब्लम देखते होंगे,
बाय द वे ये प्लेस जो है वो है वॉट्स लेक, और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत गार्डन मुझे लगा है पर्सनली, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये प्लेस, आप आ सकते हैं, अच्छी प्लेस है ये, और बोटिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं, उसके अलग अलग चार्जेस हैं। वॉट्स लेक पुलिस बाजार से ठीक पास में है और यहाँ का एंट्री टिकट 10 रुपये है। बच्चों या फैमिली के साथ हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। शिलोंग के गोल्फ लिंग भी आप जा सकते हैं लेकिन यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ एयर फेस्ट के टाइम गया था तो यहाँ एयर शो भी देखने को मिला। इसके बाद मैं यहाँ के फेमस चर्च में गया। ये है कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, काफ़ी लंबा सा नाम है इस चर्च का, बट काफ़ी बड़ा चर्च है और अंदर प्रेयर रूम में भी मैं गया था, काफ़ी अच्छा लगा। आप बाहर से लोग देख सकते हैं, अभी मैं ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। ये चर्च बहुत ही पीसफुल है और पूरा स्काई ब्लू कलर का है, साथ ही यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू भी आपको मिलता है। शिलोंग में कभी भी बारिश हो सकती है तो साथ में रेनकोट या अम्ब्रेला जरूर रखें। ये है लेडी हाइड्री पार्क और बारिश हो रही है बट मैं तो काम अपना करूँगा। और यहाँ का जो एंट्री फीस है वो है 10 रुपये केवल, और यहाँ पे जू भी है, एनिमल्स लैंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चिल्ड्रन पार्क है, एनिमल्स लैंड है, और पार्क काफ़ी अच्छा है यहाँ का मुझे लग रहा है। और साथ ही साथ टाइमिंग जो है वो है समर में है 8 AM से लेके इवनिंग में 5 PM तक, और विंटर में 8 AM से लेके इवनिंग में 4:30 तक। तो अंदर से देखता हूँ कैसा है ये लेडी हाइड्री पार्क। अब सारे एनिमल्स तो चले गए होंगे क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे, फिर भी ढूंढता हूँ कुछ ना कुछ मिल जाए तो आपको दिखा दूँ। बारिश की वजह से सारे जीव जंतु एनिमल्स सब अंदर घुस गए हैं शेल्टर में, बट मैं बाहर हूँ, सबसे बड़ा जानवर तो हम ही लोग होते हैं। मैं बाहर घूम रहा हूँ खुले में बारिश में भी, बट कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी है, इसलिए एनिमल्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। बट पार्क अच्छा है, आप आ सकते हैं, 10 रुपये एंट्री फीस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, घूम लीजिए। शिलोंग का सबसे जो पॉपुलर मार्केट है वो है पुलिस बाजार का, और ये मेन पुलिस बाजार का चौक है, और यहीं पे आपको बस वगैरह या टैक्सी जो भी है ड्रॉप करती है, बस वगैरह हालांकि थोड़ा सा दूर में करती हैं, और यहीं से आपको टैक्सी वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी जहां भी आपको जाना है साइट सीन करने के लिए। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मार्केट है, इधर की साइड भी आप जाएंगे तो आपको काफ़ी बड़ी पुलिस बाजार की मार्केट भी मैं अभी दिखाता हूँ, और ये सेंटर पॉइंट है शिलोंग लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ भाड़ आपको यहाँ पे देखने को मेन चौक पे मिलेगी। पुलिस बाजार टूरिस्ट का मेन मार्केट है और यहाँ काफ़ी भीड़ भी होती है, यहाँ कपड़ों की सब तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। मैं हूँ दिल्ली मिष्ठान भंडार में, और यहाँ पे अभी जलेबियाँ वगैरह बन रही है, आप इनसे ज़रूर ले लीजिएगा। क्या नाम है आपका? अखा। नागालैंड से हैं ये, और बहुत सारे जगहों से, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सब जगह से यहाँ के लोग आपको मिल जाएंगे। ये आप जलेबियाँ देख सकते हैं, खाइएगा ज़रूर। कैसे हैं वैसे? 300 kg। मैं ज़्यादा शुगर नहीं लेता हूँ इसलिए ले नहीं सकता, नहीं तो ज़रूर आइएगा, बट अभी पॉपुलर शॉप है, आप देख सकते हैं शॉप पे। आपका नाम? बलीनाथ। बनी कहाँ से? आसाम से हैं, तो आप देख सकते हैं सब जगह के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे फॉरेनर्स भी जलेबी खाएंगे, यू कैन टेस्ट, इट्स वेरी नाइस। क्या थैंक यू लिटिल लिटिल थैंक यू। मीठा है जलेबी है तो, पर टेस्टी है, बहुत है। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा, सबको पसंद आएगा भाई, जलेबी है तो अपनी इंडियन डिश है, सबको पसंद आएगा। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है पानी फल, ये पानी फल है, ये मैंने यहाँ पे पानी फल लिया है, और इसको क्या बोलते हैं? खासी बोलता।
नहीं ली अच्छा तो ये मैं ले रहा हूँ, टेस्ट इसका कर रहा हूँ। बहुत टेस्टी नहीं है बट 20 रुपीज़ का है ना ये। 30 रुपीज़ अब हो गया, बढ़ गया इसका 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। पर अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत अगर आप खाए हो कभी तो मेरे को। हाँ अच्छा नहीं तो टेस्ट तो करना ही चाहिए एक बार कैसा है। मुझे नहीं उतना समझ में आ रहा है बट आप ज़रा सा ले सकते हो। कौन सा 30 रुपीज़ की चीज़ है कोई भी ले सकता है। तो टेस्ट हर जगह जाएँ, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो अभी मैंने यहाँ पे आज शिलोंग वगैरह की लोकल प्लेसेस और भी थोड़ी दूर दूर की भी प्लेसेस कवर करने के लिए स्कूटी ली है, हायर की है और मुझे 600 पर डे में पड़ा है। और यहाँ पे कमर्शियल अलाउ नहीं है तो प्राइवेट ही चलता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप डायरेक्टली चाहे तो कॉल करके स्कूटी हायर कर सकते हैं मैडम से। जी हाँ, नाम है इनका। दूसरे दिन मैं सबसे पहले लाइट लूम के लिए निकला। तो अभी मैं लाइट लूम के रास्ते में हूँ, स्कूटी मेरी वहाँ पे खड़ी है और यहाँ की लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा स्कूटी वगैरह से आप आएंगे तो। अगर आप दो लोग हैं तो स्कूटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, सस्ता भी पड़ेगा और इजी भी होगा और घूमने में सबसे बड़ी बात मज़ा आएगा। तो चलते हैं जल्दी से लाइट लूम की तरफ। लाइट लूम जाने का रास्ता ठीक है लेकिन लास्ट के 2 किलोमीटर का रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए ख़राब है। तो लाइट लूम में मैं आ चुका हूँ और यहाँ का आप देख रहे होगे कितना सारा यहाँ पे फॉग है। और यहाँ पे आप स्कूटी वगैरह या कार टैक्सी बुक करके ही आ सकते हो, कोई बस वगैरह का कोई टूर नहीं होता है। और थोड़ी ये अननोन प्लेस है, आपको टूरिस्ट बहुत कम यहाँ पे दिखेंगे पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है व्यू वगैरह लेकिन आप गूगल वगैरह पर लाइट लूम की पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है। हालांकि यही दिख रहा है, यही मेरे को मज़ेदार लग रहा है। तो गाइस लाइट लूम में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पूरा आप देख सकते हो क्लाउड से ये घिरा हुआ है तो कुछ दिख नहीं रहा है बट आप यहाँ पे आओगे, आप गूगल वगैरह पे पिक्चर्स इसकी देखो लाइट लूम की, बहुत ही गजब लगेगा आपको व्यू। और जब ओपन रहता है पूरा खुला आसमान होता है, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। फिर भी आप ऐसे भी आओगे तो ऐसे भी मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना सारा यहाँ पे फॉग दिख रहा है, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो आप कह सकते हैं, पर मज़ा बहुत है। अभी मैं हूँ स्मिथ में और यहाँ की ये लोकल छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। लोकल लोग जो कपड़े लेते हैं वो यहाँ पे लेते हैं। ये छोटा सा गाँव आप कह सकते हैं शिलोंग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है बट यहाँ पर आप देखेंगे कपड़े वगैरह लोकल लोग जो लेते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। अभी मैं जा रहा हूँ स्वीट फॉल्स के लिए और यहाँ का व्यू गजब का है और ये आप देखेंगे यहाँ पे मज़ा आएगा आपको यहाँ पे आके। ये सब अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, लाइट लूम हो गई, स्वीट फॉल्स हो गया, बहुत कम लोग जानते हैं, लोकल्स भी बहुत लोग नहीं जानते हैं तो किसी तरह मैं पता करके आया हूँ और आपको भी बता दे रहा हूँ ताकि आप भी आके यहाँ पे घूम सकें। तो अभी स्वीट फॉल्स की पार्किंग में मैं आ चुका हूँ और यहाँ से स्वीट फॉल दिख रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको एक अलग सी चीज़ यहाँ पे। यहाँ पे आप अब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और फॉल जो दिख रहा है वो यहाँ से, अभी आपको पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा बट मैं जाता हूँ उधर पास में तो आपको भी दिखाता हूँ। स्वीट फॉल्स थोड़ा सा नीचे है तो नीचे ही जा रहा हूँ और देखता हूँ कितना नीचे तक है। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये सेल्फी डेंजर जोन है, मैं अभी सेल्फी में ही कैमरे में ले रहा हूँ, डेंजर जोन है, क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मेरे बैक साइड में आप जो देख रहे हैं ये है स्वीट फॉल्स और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। 10 रुपये की एंट्री फीस है और यहाँ पर आने आपका पूरी तरह से वसूल होगा, बहुत कम लोग जानते हैं इस प्लेस को, मैं आपके लिए एक्सप्लोर किया हूँ और दिखा दिया हूँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कैमरे में छोटा लग रहा होगा फॉल्स बट आप सामने से देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा। अभी मैं हूँ उमियम लेक पे, इस टाइम 5 बज चुके हैं इवनिंग के इसलिए यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो गया है, कैमरे में शायद बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा हो बट मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, पूरा जैसे आइलैंड का लुक होता है वैसा कुछ दिख रहा है।
तो यहाँ पे भी ये गुवाहाटी के रास्ते, गुवाहाटी से जब आप आते हैं शिलोंग तो रास्ते में ही पड़ता है। अगर आप टैक्सी वगैरह से आ रहे हैं बुक करके तो आप चाहे तो रोक के कुछ देर यहाँ पे पहले ही देख सकते हैं। उमियम लेक के पास जाने के लिए आपको 50 रुपीज़ की एंट्री फीस देनी पड़ेगी और आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। शिलोंग के दूसरे पार्ट में मैं आपको मोलिननोंग विलेज टूर और डॉकी रिवर, जो कि क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जानी जाती है, और बांग्लादेश बॉर्डर और लोकल मार्केट दिखाऊंगा, साथ ही टूर प्लान बजट भी बताऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें।